हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और अभी यहाँ पर करीब 4 बजे का टाइम हो रहा है शाम का। तो ये जो ड्रामा आप देख रहे हो, इसमें मैं आटा रखती हूँ, और जब भी इसमें आटा पूरा ख़त्म हो जाता है तो इस ड्राम को मैं बहुत अच्छे से एक बार साफ़ कर देती हूँ, सुखा कर फिर इसमें दोबारा आटा भरती हूँ। क्योंकि जब किचन की मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ 15 दिन में या फिर 20 दिन में, तो फिर आटा इसमें अगर रहता है तो फिर आटा फिर खाली करने के उतना जगह भी, मतलब एक बड़ा सा बोरा या प्लास्टिक ढूंढना पड़ेगा मुझे। और इसीलिए जब ये खाली होता है तब मैं इसमें ये बहुत अच्छे से धो देती हूँ इसको। तो उस टाइम डीप क्लीनिंग के समय मुझे ये धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस ऊपर ऊपर से इसको मैं साफ़ कर देती हूँ। और इसी तरह फिर चावल का जो ड्राम है उसको भी मैं इसी तरह करती हूँ। चावल जब ख़त्म होता है तब उसको मैं धो देती हूँ। और बाकी जो छोटे छोटे डब्बे वगैरह होते हैं उसे तो फिर हम किसी भी कटोरी में मसाले वगैरह रख सकते हैं और उसे अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े चीज़ों को जब खाली होता है उस टाइम ही धोने में बहुत अच्छा ये वक्त रहता है। तो बस यहाँ पर मैं ड्राम को धो दिया है मैंने, और वो बाल्टी भी बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। जो बाल्टी उसमें हम पानी रखते हैं उसमें पीने का पानी नहीं रखते हैं, लेकिन जो खाना वगैरह यूज होता है वो पानी रखते हैं। और बाकी बर्तन धोना, मतलब किचन में जो नल में पानी आता है, ऊपर सिंटेक्स है तो ऊपर छत के ऊपर है, क्योंकि मुझे कुछ लोग पूछते भी है, काफ़ी कमेंट भी आते हैं कि आपका टंकी कहाँ है। तो हमारा टंकी छत के ऊपर है और किचन और बाथरूम में आता है, तो टंकी के पानी से मैं खाना नहीं बनाती हूँ। डायरेक्ट जो मोटर से पानी आता है वो पानी मैं इस बाल्टी में बस रखती हूँ, सिर्फ खाना बनाने का काम आता है। बाकी तो मेरे किचन में आपने देखा हुआ है वो फ़िल्टर स्टील वाला, उससे हम पानी पीते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये बाथरूम में मेरा गेट नहीं था, ये बस एक, मतलब कि परसों ये लगा है और एक दिन इसको लगे हुए हो गया है। तो सेट होने में इस गेट को भी टाइम लगता है जब इसे हम जाम करते हैं तो, और ये मिस्त्री ने नहीं लगाया है, मेरे हस्बैंड घर पर थे तो उन्होंने ही ये लगाया है अपने हाथों से, और काफ़ी अच्छा लग गया है। क्योंकि एक गेट में ही मिस्त्री को हम बुलाते तो वो दिन भर का चार्ज ले लेता, जिनका राज मिस्त्री का जितना एक दिन का दिहाड़ी है उतना वो मांग रहे थे। तो फिर ये घर पे रहते ही थे और उस दिन ये लगा दिए, सेट हो गया और बहुत अच्छे से ये गेट लग गया है। तो हम पहले भी लगाने के लिए सोच रहे थे, तो हमने सोचा कि जब कभी घर का पूरा काम होगा तभी हम लोग करवाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ड्राम वगैरह धो दिया है और उसे अभी मैंने सूखने के लिए रख दिया है उसे उलट कर। और अभी यहाँ पर मैं शाम का खाने की तैयारी कर रही हूँ, यानी कि रात का। तो आटा गूंथना, सब्जी काटना, जितनी भी तैयारी होती है वो मैं अभी करके रख लूँगी। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हो आसी को, ये हमेशा इसी तरह करती है, अच्छा है, बिजी रहती है, लॉकडाउन है, स्कूल नहीं जाना है, तो ये भी अब बोर हो गए हैं, तो सही है अपना किसी भी काम में या खेल में ये बिजी ही रहे। और अभी यहाँ पर क्या होता है कि दोनों बच्चे साथ में ज़्यादा टाइम बिताते हैं तो इनकी लड़ाई भी होती है कभी कभी होती है, खेल खेल में, तूतू मैं में, और हर भाई बहन में ये होता होगा। यहाँ पर इसने बड़ा सा आटा का एक वो लिया था, लेकिन ये पूरा घर में थोड़ा थोड़ा इधर उधर फेंक फेंक के पूरा घर गंदा कर रही है। और मैं भी इसको जब तक इसका आटा मैं लेकर फेंक ना दूँ तब तक ये पूरा घर थोड़ा थोड़ा इसी तरह जो हाथ में लग जाता है बेलन में चकला में वही निकाल निकाल कर फिर घर में फैलाती है। तो इससे क्या होता है कि चींटी लगने का वो रहता है और फिर मेरा घर भी गंदा होता है, इसलिए मैं इसे अब सब्जी काटने के बाद इसे मैं फेंक दूँगी। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो ये वही फ्रॉक है जो मैंने आसी के बर्थडे पर ऑनलाइन शॉपिंग किया था, लेकिन मैंने फिर इसे एक बार रिटर्न भी करवाया क्योंकि एक साइज़ वो छोटा आ गया था। तो फिर मैंने 5 to 7 इयर्स के बीच का ये साइज़ मैंने मंगाया है और ये काफ़ी सुंदर आया है, जैसा मुझे पिक में दिखाया था वैसा ही आया है और मुझे पसंद आ गया। तो मैंने इसे वॉश कर दिया है, मतलब रिटर्न हुआ है तो पहले एक बार आ चुका था, फिर 5 दिन प्रोसेस लगा उसे फिर से आने में, फिर ले जाने में, तो इतना टाइम लगने के बाद अब ये अच्छा था तो इसे मैंने वॉश कर दिया। और आती यहाँ पर मैंने अभी पहना के देखा भी नहीं, तो ये अभी मैं ही पहना के देख रही हूँ फर्स्ट टाइम।
लॉन्ग फ्रॉक, इसको लॉन्ग फ्रॉक बोलते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो आसी कितना ज़्यादा खुश है। और मैंने इसे शॉर्ट फ्रॉक बहुत पहनाया है, और घेर वाले जो फ्रॉक होते हैं वो भी, जो भारी वाले होते हैं वो भी मैंने पहना है, लेकिन जो इस तरीके का कपड़ा है पॉलिस्टर सिल्क मिस्क और पूरा लॉन्ग फ्रॉक ये फर्स्ट टाइम पहन रही है, इसलिए इसकी खुशी और ज़्यादा बढ़ गई है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप यहाँ पर साइड में देख सकते हो ये किस तरीके का मैंने देखा था और वैसे ही दिख रहा है। अभी यहाँ पर मैं फोल्ड करके रख दे रही हूँ, और आप सोचो कि मैंने आदित्य के लिए क्यों नहीं मंगाया, क्योंकि आदित्य अभी तो दुकानें खुल गई है और वहाँ पर 1200 कुछ, मतलब 1200 1300 1400 एक सेट मिल रहा था, मतलब 10 से 12 इयर्स के बच्चों का, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। और यहाँ पर इस लोकल मार्केट में सस्ता ही मिल जाएगा, 1000 के अंदर ही इतना बड़ा बच्चा का अच्छा से अच्छा कपड़ा मिल जाता है, इसलिए मैंने ऑनलाइन परचेस नहीं किया। और अभी यहाँ पर, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी लीची का सीज़न चल रहा है, तो घर में लीची आया था, तो अभी हम लोग ये लीची खाएंगे सबको मिलकर। तो अभी मैं जा रही हूँ रात का खाना बनाने के लिए, और मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑनलाइन शॉपिंग किया था बच्चों के लिए, और वैसे मैंने अपने लिए किया है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों में थोड़ा सा हो जाता है कि कैसा निकलेगा, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, और बहुत महंगे भी होते हैं। मैंने अमेजोन में भी देखा, फ्लिपकार्ट में भी देखा, तो मुझे लाइम रोड में थोड़ा ठीक लगा प्राइस इसका, और इसी दाम में मार्केट में भी मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं था, ज़्यादा सस्ता भी नहीं था, ऑफर चल रहा था इसीलिए मैंने ले लिया। और उस टाइम दुकानें भी नहीं खुली थी, लेकिन अब तो सारी दुकानें भी खुल चुकी है। और आप सभी को कैसा लगा आसी का ड्रेस मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में रात का खाना बनाने के लिए, और मैंने आधा तैयारी तो पहले ही कर लिया था, आटा गूंदना, फिर लौकी भी मैंने काट लिया था। आज मैं लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी, बहुत दिनों के बाद मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो सिंपल वाली होती है आलू और लौकी की। वैसे तो मैंने चना दाल की अभी फ़िलहाल मैं बनाया था इसकी सब्ज़ी, और कोफ्ते वगैरह बना देती हूँ, और ये लौकी और आलू की सब्ज़ी ऐसे अगर मैं एक दो दिन छोड़ छोड़ के बनाऊँ तो फिर बच्चे भी नहीं खाते हैं, अगर काफ़ी दिनों के बाद बनाती हूँ तो फिर बच्चे भी खा लेते हैं आराम से। तो यहाँ पर तेल गर्म हो चुका था, मैंने जीरा दे दिया है, और जीरा डालने के बाद इसमें मैंने हरी मिर्च और प्याज डाल दिया है। भले ही मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, लेकिन लौकी की सब्ज़ी, तोरी की सब्ज़ी और ये जो सब्ज़ियाँ होती है वो अच्छी लगती है, और मैं बनाती हूँ तो फिर बच्चे खा लेते हैं, तो इसमें मैं ये नहीं करती हूँ कि इसे ना बनाओ, मैं बना ही देती हूँ और बच्चे खा लेते हैं। और लौकी इतना हेल्दी सब्ज़ी है, इस वजह से भी मेरा बनाने का मन करता है। तो यहाँ पर मैंने जो डाला था कटोरी में वो था अदरक लहसुन का पेस्ट, उसमें कुछ साबुत काली मिर्च भी था, वो भी मैंने पीस के इसमें डाल दिया है हल्का सा। और यहाँ पर मैंने एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और आधा चम्मच मैंने इसमें जीरा पाउडर डालकर अब इन मसालों को अच्छे से थोड़ा सा मैं भूनूंगी, और उसके बाद ही मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। और टमाटर डालने से क्या होता है कि मसाले मैंने थोड़े से भुने हैं और टमाटर भी साथ साथ में पक जाएंगे, और टमाटर के साथ मसाले भी भून जाएंगे। और अभी मैं यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, जितना हम लोग नमक खाते हैं मैं इसमें 1.5 चम्मच डाल रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा थोड़ा सा नमक खाते हैं, जैसे कि थोड़ा तेज नमक खाते हैं आप कह सकते हो, तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल दिया था। और अभी यहाँ पर मसाले मैं भून रही हूँ धीमी आंच करके, तब तक मैं इधर खाली बैठी थी इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं रोटियाँ भी बना लेती हूँ, क्योंकि साथ साथ में ही काम हो जाता है फिर। और उसके बाद यहाँ पर मसाले भी मैं भून रही हूँ, चला रही हूँ, तो मसालों का क्या है कि मसाले भूनने के बाद मैं ये सब्ज़ी डाल दूँगी, फिर ये सब्ज़ी धीरे धीरे
पकती रहेगी और इधर मैं सारी रोटियां बना के तैयार कर लूँगी। तो इसीलिए मैं साथ में ही रोटियां सेकने लगती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छे से मसाले मैंने भून लिया है और मसालों से तेल भी अलग हो चुका है। बस इसमें जो टमाटर थे थोड़े बहुत, वो मैं इस कलछे से इस तरह से मैश कर दे रही हूँ। और अब मैं इसमें कटे हुए आलू और कटे हुए लौकी डाल दूँगी। और लौकी की ही सब्ज़ी अच्छी लगती है बस, लेकिन आलू डालने से क्या होता है कि इसका टेस्ट बढ़ जाता है और बच्चे भी खाने के लिए अच्छा लगता है। फिर वो लोग नहीं कहते हैं कि सिर्फ लौकी लौकी है, ऐसा नखरा नहीं करते हैं। तो इधर देखिए, मैंने इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला था और इसे मैंने धीमी आंच करके इसे पका लिया है और ये सब्ज़ी बनके तैयार हो गया है। बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत अच्छी सब्ज़ी है, हेल्दी भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने खाना बना लिया है और मैं अब परोस रही हूँ। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।